नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। जी हां, भारत रत्न कब से दिया जाने लगा, पहले किसे दिया गया था, इम्पोर्टेंट कौन थे, पहली फीमेल कौन थी, है ना, पहला आपका यंगेस्ट कौन है और ओल्डेस्ट कौन है, इसके अलावा 2024 में किन्हें दिया गया, और सबसे ज्यादा बार आपको पता होगा इसी बार, जी हां, 2024 में 5 लोगों को दिया गया, उनकी क्या प्रोफाइल है, वो किस क्षेत्र में काम करते थे, ये वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत रत्न अवार्ड की। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भारत रत्न अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, एक तरह से सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न पुरस्कार। ये आपको दिया जाता है एक्सपर्सनल सर्विस, कोई भी फील्ड में हो, उसमें कोई भी बेसिकली आपकी जाति हो, व्यवसाय हो, पद हो, लिंग हो, बिना किसी भेदभाव के असाधारण सेवा के लिए बेसिकली आपको क्या है, ये दिया जाता है। बात करते हैं इसमें इसके ओरिजिन और इवोल्यूशन की, कब से ये शुरुआत हुई। तो मैं आपको बता दूं, भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, और इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। जी हां, और ये बेसिकली जो भी असाधारण सर्विस आपने दी है अपनी फील्ड में, है ना, वो उसके लिए बेसिकली आपका क्या दिया जाता है, बिना किसी भेदभाव के, है ना, ये अवार्ड जो है बेसिकली आपका दिया जाता है। बात करते हैं इसका क्राइटेरिया और रिकमेंडेशन की। तो इसका क्राइटेरिया जो था पहले शुरुआत में लिमिटेड था, जिसमें आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, पब्लिक सर्विस में दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसका क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया और कहा गया कि किसी भी फील्ड में बेसिकली क्या कर सकते हैं, भारत रत्न दिया जा सकता है। और ये रिकमेंडेशन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली क्या करती है, अप्रूव करती है, और अप्रूव करते हैं, और वो भारत रत्न क्या करते हैं, देते हैं, है ना। इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं अवार्ड डिटेल की। तो अवार्ड डिटेल में आप देखेंगे तो भाई आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, साथ में पीपल लीफ शेप्ड जो है आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है भारत रत्न का। साथ में मॉनेटरी कोई भी नहीं मिलती, नो मॉनेटरी ग्रांट, कोई भी पैसा आपको इसके साथ नहीं मिलता है, है ना, ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा पैसा या कोई पुरस्कार के रूप में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए भारत रत्न अवार्ड के बारे में। सबसे पहले 1954 में दिया गया था, किन्हें दिया गया था, तो सी राजा गोपालचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और सीवी रमन को। तो फर्स्ट अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। दूसरा, मरो उपरांत कब से शुरू हुआ, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। जी हाँ, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री से मरो उपरांत जो है पोस्ट ह्यूमिनियस जो है बेसिकली आपका शुरू हुआ। पहली फीमेल जो थी जिन्हें बेसिकली क्या मिला, भारत रत्न मिला, वो थी इंदिरा गांधी जी 1971 में। इसके अलावा सबसे यंगेस्ट जो है सचिन तेंदुलकर, 40 साल की एज में बेसिकली इनको भारत रत्न 2014 में दे दिया गया था। इसके अलावा ओल्डेस्ट की बात करें तो सोशल रिफॉर्मर ढोंडो केशव कारवे जो है उनके 100वें बर्थडे पर दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में देखेंगे तो 23 को अनाउंस किया गया था, तो 100वां नहीं होगा, क्योंकि 23 जनवरी को अनाउंस किया गया था कपूरी ठाकुर को, है ना, कपूरी ठाकुर को, और उनका बर्थ जो था 24 तारीख को था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100वें पे ही मिला, एक दिन पहले यहां पर हुआ। तो उस हिसाब से ओल्डेस्ट अगर आप देखेंगे तो ढोंडो केशव कारवे जो है इन्हें 100वें बर्थडे पे बेसिकली क्या है दिया गया था। इसके बाद नॉन इंडियन रिसिप्ट जो गैर भारतीय थे उनके बारे में ही पता होना चाहिए, कौन कौन ऐसे गैर भारतीय थे जिनको बेसिकली क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। तो उसमें मदर टेरेसा थी, हाँ ना, आप सभी को पता है मदर टेरेसा। उसके बाद आपका अब्दुल गफार खान जो कि बेसिकली आप पाकिस्तान के नागरिक हो गए। उसके बाद आपके नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीकन सिटीजन और साउथ अफ्रीका के बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, या मैं कहूं वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहे, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 2024 की बात कर लेते, क्योंकि 2024 वाला दोस्तों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाकी वाला, क्योंकि 2024 से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस होंगे। इस बार टोटल 5 बार दिया गया है, है ना, 5 बार दिया गया है, सबसे ज्यादा बार, जी हाँ, किसी
प्रत्येक वर्ष में आप देखेंगे सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा जो दिया गया है वो इसी बार दिया गया है, सभी रिकॉर्ड तोड़ के दिया गया है। अब ये रीजन हो सकता है लोकसभा चुनाव और सभी लोगों को वो करना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बार, जी हाँ, अगर आप भारत रत्न का पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह रिकमेंडेशन है कि 3 बार दिया जा सकता है साल में, ये मेंशन भी है, लेकिन अपवाद भी कुछ होते हैं जो कि इस बार हुआ, 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया। कौन कौन है? सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें मनोरमान दिया गया। वो बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? तो बिहार से, और फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर, जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री में से एक थे। साथ में इन्होंने बेसिकली आपका क्या, सामाजिक न्याय की वकालत करना आरक्षण लागू करने के लिए, और इनका पूरा का पूरा वो चीजें चली है ना, तो काफी नेशनल लेवल पे भी इनका काफी नाम था, खासकर बिहार में इनका काफी नाम था है ना, तो वहां पे इन्हें दिया गया पहला। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी को आप सब कोई जानते हैं, बीजेपी को खड़ा करने वाले अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं है ना, तो उनका नाम आपको देखने को मिलता है ना। फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, उप प्रधानमंत्री रहे बेसिकली आपके है ना। इसके अलावा आपको पता है मेन रोल रहा, पिवोटल रोल रहा भारतीय जनता पार्टी को, खासकर राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इनका ही रहा, क्योंकि इन्हीं के जो रथ यात्रा शुरू हुई थी 1990 के आसपास में रथ यात्रा, उसी से फिर जो रथ यात्रा चली और फिर बाकी सब चीजें आपको पता है कि किस तरह से कार सेवक उग्र हुए और बाबरी मस्जिद जो था ढांचा उसको ढहा दिया गया। उसके बाद आज की डेट में वहां पर क्या है, हाई सुप्रीम कोर्ट के उसके अनुसार वहां पर राम मंदिर भी बन गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का रोल काफी ज्यादा रहा हिंदुत्व राजनीति के लिए। आप देखेंगे बेसिकली लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है जाने जाते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव आप सभी को पता है वो भारत के 9वें, जी हाँ, 9वें प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, और 1991 से लेके 1996 पहले ऐसे गैर गांधी नेहरू परिवार से होने वाले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल जो था पूरा किया था। उसके अलावा आप देखेंगे 1991 से 1996 के लिए रहे, और इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट था, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बेसिकली इनका टेन्युअर जो है बेसिकली जाना जाता है। अब इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे इनकी डेथ हुई तो इनकी डेड बॉडी को कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर रखा जाना चाह रहे थे इनके जो रिलेटिव थे, इनके बेटे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया और इनका संस्कार फिर इनको अपने होम स्टेट में जाके करना पड़ा। तो ऐसी काफी कहानियां भी इनसे रिलेटेड है ना, और ये चीज आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, 9वें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मनोर उपरांत पोस्ट ह्यूमेनस दिया गया है, और ये भी आपको पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे। जब आपको पता है ये प्राइम मिनिस्टर बने तो गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, जी हाँ, जन जो बेसिकली जन शक्ति पार्टी थी जो बाद में जाके बीजेपी बनी है ना, उससे और भी पार्टियां निकली है ना, तो उस टाइम पे ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, और जाहिर सी बात है किसानों के राइट्स के लिए जाने जाते थे, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना, और बिल्कुल किसान नेता के रूप में इनकी छवि थी है ना, तो इन्हें बेसिकली क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया। उसके बाद आते हैं एम एस स्वामीनाथन, तो एम एस स्वामीनाथन जो है एक साइंटिस्ट जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो जाना जाता है हरित क्रांति के जनक अगर हम कहें है ना, तो इनका काम काफी ज्यादा अच्छा रहा फूड सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर फील्ड में, और इन्हें बेसिकली क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया। तो इस बार आप देखेंगे बेसिकली आपके 4 लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ह्यूमेनियस दिए गए हैं, और एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी जो जिंदा हैं, तो इस बार टोटल 5 जो हैं बेसिकली क्या दिए गए हैं, भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा किस किस में दिए गए, फील्ड मैंने आपको बता दी, उनका योगदान आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी भारत रत्न से जुड़े बता दिए। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, यंगेस्ट कौन है ना, या फिर ओल्डेस्ट कौन है, या फर्स्ट फीमेल कौन है, तो ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। और आगे की
ऐसे ही वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।